नमस्कार शिक्षक मित्रों, अगर आपने अभी तक भी माशिम वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आप करवा लें। उसके बाद ये पेपर अपलोड करने की प्रोसेस आज मैं समझाने वाला हूँ। इस पेज पर आपको दिख रहा होगा राइट हैंड पर एक लॉगिन का ऑप्शन है सबसे ऊपर, आप उसको क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका कुछ इस प्रकार से पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको साइनअप पर नहीं जाना है, जो राइट हैंड पर एक बॉक्स बना हुआ है वाइट कलर का, आप वहाँ पर जाएंगे। और यहाँ पर आपको दो चीज़ें अपलोड लिखनी है, टाइप करनी है। उसमें सबसे पहले आएगा यूज़र नेम और फिर आएगा पासवर्ड। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस प्रकार से वो पेज रहेगा जहाँ पर आपका यूज़र नेम खुद का, जो कि आपको मोबाइल पर मिला होगा जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा स्कूल का, यहाँ पर आपको यूज़ नहीं करना, आपका सेल्फ का खुद का करना है। यूज़र नेम के साथ ही आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक पासवर्ड आया होगा, वो आपको वहाँ पर लिखना है। दोस्तों पासवर्ड और यूज़र नेम कैसे मिलते हैं, ये इस बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिस पर काफ़ी सारे व्यूज़ आए हैं। अगर आप चाहें पूरी इन्फॉर्मेशन को समझने के लिए कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, पूरी इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए लिंक में डिस्क्रिप्शन मैंने एक लिंक दिया, आप उसको वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि आप अपना खुद का रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं। इवन आप वहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि स्कूल का रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं। तो दोस्तों ये चीज़ आपको ऑलरेडी वहाँ पर मिल जाएगी। तो आइए दोस्तों, ये यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़ करने के बाद हम देखते हैं वहाँ पर प्रोसेस कैसे आगे बढ़ती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये करने के बाद ये जो चार डिजिट का नंबर, यहाँ पर आप लिखेंगे और लॉगिन क्लिक करेंगे। लॉगिन क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस प्रकार से पेज खुलेगा जहाँ पर प्रश्न बैंक लिखा रहेगा। वहाँ पर आप देखेंगे ऊपर की तरफ लेफ्ट हैंड की तरफ दो ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। इन दो ऑप्शन में से आपको अपलोड क्वेश्चन पेपर पर क्लिक करना है, फर्स्ट वाले पर क्लिक नहीं करना है। तो जैसे आप सेकंड वाले पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, उसमें से आपको सबसे ऊपर वाले ऑप्शन को टिक करना है। और आपको कुछ इस प्रकार का पेज मिलेगा जहाँ पर आपको ईयर लिखना है। ऑलरेडी यहाँ पर ईयर दिया हुआ है 2021। मैं 9th क्लास का पेपर अपलोड कर रहा हूँ तो 9th क्लास लिखूँगा। और यहाँ पर आपको सब्जेक्ट चूज़ करना है कि आप कौन सा सब्जेक्ट का पेपर अपलोड कर रहे हैं। सो आई एम गोइंग फॉर स्पेशल इंग्लिश, सो हियर आई क्लिक इट एंड देन द नेक्स्ट प्रोसेस इज देन द पेज वुड बी लाइक दिस। आपका पेज कुछ इस प्रकार से खुलेगा। वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज दिया रहेगा कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन पेपर आप अपलोड कर रहे हैं। तो यहाँ पर सारे चैप्टर्स के नाम दिए। आप फर्स्ट का करें तो फर्स्ट को क्लिक करेंगे। आई एम गोइंग फॉर द फर्स्ट वन एंड हियर आई क्लिक द फर्स्ट देन द पेज वुड बी समथिंग लाइक दिस। सो दोस्तों हियर आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड पर एक ऑप्शन आएगा टाइप, जहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस या फिर आप जो भी कर रहे हो ज्ञान पर या फिर एप्लीकेशन, सो उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको क्लिक करना है राइट हैंड पर सूजन फाइल पर। सो हियर आपको अपने मोबाइल या फिर डिवाइस जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर आपको फाइल्स मिलेगी जो कि क्वेश्चन पेपर आपने बनाए होंगे, वहाँ से उसको आप क्लिक कर सकते हैं और डायरेक्टली आप वहाँ पर उसको अपलोडेड देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपका यहाँ पर जो प्रोसेस वो डन हो जाएगी। आप इसको वापस व्यू भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि सारे पेपर अपलोड हो गए कि नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।